यार कांग्रेस पार्टी अपनी चोरी को छुपाने के लिए बहाना ढूंढ रही है। क्या 2G की कोर्ट ने ये कहीं कहा है कि जो 1,76,000 करोड़ रुपया की भ्रष्टाचार हुई थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट जिसको रिकॉग्नाइज किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ही आगे कार्रवाई हुई है, और बाद में जो नीलामी हुई यूपीए के समय में और एनडीए के समय में जो नीलामी हुई, ये लाखों करोड़ रुपया की नीलामी हुई जिनको उन्होंने बिना मूल्य के फिक्स प्राइस से 1,700 करोड़ रुपया की फिक्स प्राइस पे दिए थे, ये लाखों करोड़ रुपया की नीलामी में आई। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? उस समय के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था, ये मेरा गठबंधन की मजबूरी है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी अगर इस भ्रष्टाचार के ऊपर अपना उनको सर्टिफिकेट मानता है, उनको मुबारक।